हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंजाबी माइंड आइडिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ये टंकी की लीकेज को ठीक करके दिखाएंगे। यहाँ छत पे ये दो टंकी लगी हैं 2000 लीटर की, इसमें एक टंकी लीक है। और इस लीकेज को ठीक करने से पहले हम इसके दोनों पाइप्स को जो है दूसरी टंकी के पाइप में जोड़ेंगे, ताकि नीचे पानी की सप्लाई चलती रहे। फ्रेंड्स देखिए छत पर कितनी काई जमी हुई है और पानी भी बह रहा है। और इस लीकेज के बाद ये टंकी ऊपर से भी लीकेज है, ये रिपेयर किसी ने करी हुई पहले की, और इसको भी हम ठीक करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए पानी लगातार टैंक के नीचे से आ रहा है। देखिए मैं बार बार आपको साफ करके दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हमने ये टंकी उतार के ये कनेक्शन दूसरे पाइप्स में जोड़ लिए हैं देखिए, और मैंने एक वॉल भी लगा दिया है, ताकि बाद में हमें इस कनेक्शन को हटाना भी है। अब टंकी की लीकेज देखते हैं ये कहाँ से हो रही है। ये यहाँ पे ये टंकी रखी थी, वहाँ पे एक ये पत्थर था टंकी के नीचे, इसी कारण ये टंकी क्रैक हुई। हम आपको दिखाते हैं ये टंकी कहाँ से क्रैक हुई है। देखिए टंकी इस जगह से क्रैक हुई है, इसको अब हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इसके सरफेस की सफाई ग्राइंडर से करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास सैंड पेपर है तो आप उससे भी रगड़ के इसको खुरदरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% सक्सेसफुल है, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहना। अब एक हेक्सा ब्लेड की सहायता से इसको रफ करेंगे। फ्रेंड्स टंकी जहाँ रिपेयर करनी है उसको हमने अच्छी तरह से खुरदरा कर लेना है कुछ इस तरह, और उस पर फिर उसके बाद हम एमसील लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने पानी लेकर इस सतह पे लगाना है और हाथ से उसको कुछ फिनिशिंग देनी है, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। पानी लगाने का ये बेनिफिट होगा कि जो एमसील है वो टंकी की सतह पे अच्छी तरह से चिपकेगी और हाथ पर नहीं लगेगी। फ्रेंड्स एमसील लगाने के बाद इसको 4 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है, और जब ये सूख जाए इसे दोबारा रफ करना है हमें ग्राइंडर से। और ग्राइंडर के बाद हेक्सा ब्लेड से इसकी साइड अच्छी तरह खुरदरा कर लेनी है, ताकि इस पर जो भी हम केमिकल लगा रहे हैं वो अच्छी तरह से पकड़ कर सके। एमसील के बाहर की साइड भी इसको अच्छी तरह से हमने रगड़ लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स टंकी को हमने उल्टा कर लिया है। इसके बाद हम एरोराइट की दोनों ट्यूब लेंगे और इसको बराबर की मात्रा में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स होने के बाद हम इस जगह पे इसको लगाएंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है।
और एरोरेट लगने के बाद इसको हम 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए। फ्रेंड्स एरोरेट को लगे हुए 12 घंटे हो गए और ये पूरी तरह सूख चुकी है। इसके बाद ये कंक्रीट के मिक्सचर से इस जगह को बराबर करते हैं, क्योंकि पहले किए गए कुछ महान मिस्त्रियों के काम को हमें ठीक भी करना है। फ्रेंड्स हमारी टंकी की जगह वाला सरफेस बिल्कुल बराबर होना चाहिए इस तरह से। फ्रेंड्स टंकी को हमने परमानेंट फिक्स कर दिया है और यहाँ जो टेम्परेरी कनेक्शन लगा हुआ था इसे हमने हटा दिया है और इस टाइम हम टंकी में पानी भर रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी लीकेज नहीं है। देखिए फ्रेंड्स टंकी में पानी लगातार जा रहा है और जैसे ये पानी ऊपर तक आएगा तो ऊपर वाली लीकेज चेक करेंगे और उसको ठीक करेंगे। और उससे पहले हम उस जगह को रफ यानी कि खुरदरा कर लेते हैं। फ्रेंड्स टंकी को हमने खुरदरा कर लिया है और पानी का लेवल भी ऊपर आ गया और ये देखिए ये टंकी लगातार ऊपर से भी बह रही है। इसको हम उसी प्रकार रिपेयर करेंगे जैसे हमने टंकी के नीचे का हिस्सा रिपेयर करा है।